हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में फिशेज की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। दो ग्लैंड्स हमने पढ़ ली थी, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड और एक थायराइड ग्लैंड। आज हम पढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इन फिशेज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मैमल्स। तो इसमें जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो मैमल्स से थोड़ी डिफरेंट होती है। टू कंपोनेंट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, आर सेपरेटली फाउंड। इसमें दो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इन द साइक्लोस्टोमेटा प्रिजम्पटिव एटिनोकॉर्टिकल सेल अकर इन स्कैटर्ड ग्रुप ऑन द वॉल्स ऑफ कॉर्डिनल वेन्स, डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ देयर आइडेंटिटी हाउएवर इज स्टिल लेकिंग। इन इलास्मोग्रेंस द एड्रिनल ग्लैंड डज नॉट कंटेन क्रोमेफिन टिश्यू, एन एक्सेप्शन अमंग ग्रेथोस्टोमेट, एंड इज सिचुएटेड ओवर ऑन और बिटवीन द पोस्टीरियर लोब्स ऑफ द किडनी एंड द एक्टिनोप्टेरिजियन फिशेज। टेलियोस एटिनोकॉर्टिकल टिश्यू इज फाउंड इन द एंटीरियर हेड किडनी, ऑफन एसोसिएट विद द कॉर्डिनल वेन्स। इंफॉर्मेशन ऑन द अदर ऑर्डर ऑफ एक्टिनोप्टेरिजाई इज स्कैंटी। इन प्रोटोप्टेरस एटिनोकॉर्टिकल सेल्स लाई इन स्कैटर्ड ग्रुप ऑन द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द किडनी इन ए पैटर्न सिमिलर टू दैट फाउंड इन एम्फीबियन लार्वी। तो ये किडनी के आसपास जो है इसकी पोजिशन पाई जाती है। इन सर्टेन कॉन्डिक्थीज द स्टीरोजेनिक सेल्स फ्रॉम इंटरनल बॉडीज एट द कॉडल एंड ऑफ द किडनी एंड क्रोमेफिन सेल्स लाई एम्बेडेड विद इन द टिश्यू ऑफ बोथ द किडनी नियर द पोस्टीरियर एंड्स। द एग्रीगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्रिनल टिश्यू ग्रेटली वेरीज इन ऑस्टिक्थीज। द स्टीरोजेनिक सेल्स ऑफ मैनी फिशेज एग्रीगेट इन देयर हेड किडनी एंड क्रोमेफिन सेल्स मे लाई इंटर स्प्रेड बिटवीन दैम। In many other teleos, the two components lie in clusters along the posterior cardinal vein. In calves, for example, Sirena mrigala, the stereogenic components is present in head kidney. It forms massive interrenal cores around the posterior cardinal vein and its tributaries. ये इसकी adrenal gland की diagram है। अब इसके फंक्शन। द हार्मोन्स ऑफ स्टीरियोडोजेनिक टिश्यू आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, विच इज फिशेज एक्ट अपॉन द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ऑस्मोरेगुलेशन, ये जो है अलग अलग इनमें फंक्शन पाए जाते हैं। और जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कौन कौन से फंक्शन करते हैं, तो ऑस्मोरेगुलेशन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ब्लड सेल्स मूवमेंट फ्रॉम हीमेटोपोइटिक एंड लिम्फोइड टिश्यू, ग्रोथ रीजनरेशन एंड एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। द मोस्ट प्रोटीन एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड इज द एल्डोस्टेरोन, विच रेगुलेट्स द सोडियम लेवल बाय एक्टिंग अपॉन गिल्स एंड ऑन रीनल ट्यूबुल्स। अदर एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड आइडेंटिफाइड इन फिशेज आर कॉर्टिसोल, कोर्टिसोन एंड कॉर्टिस्टेरॉन। दीज इज एस्पेशली इन्फ्लुएंस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द फिशेज। द टेलियोस्ट फिशेज इंजेक्शन ऑफ हाई डोजेज ऑफ एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑफन कॉजेज इफेक्ट विच डिस्टर्ब द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हाई डोज इन एंगुला इंक्रीज मसल वाटर कंटेंट वाइल मसल सोडियम कंसंट्रेशन डेक्लाइंस। हाई डोज ऑफ एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑफन प्रोड्यूसेस डिलेटेरियस इफेक्ट्स अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्टिंग फंक्शन ऑफ द गिल्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल इन टीलियोस प्रोड्यूसेस प्रोटीन कैटाबॉलिज्म और ग्रोथ इनहिबिशन बट प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस। एमिनोजेनिक हॉर्मोन्स और क्रोमेफिन टिश्यू इंक्लूड एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। दीज प्रोमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस टू इंक्रीज द ब्लड शुगर कंटेंट इन टाइम्स ऑफ सडन डिमांड्स। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्रोमेफिन टिश्यू ऑफ फिशेज प्रोसेस एड्रेनालिन एंड स्टिमुलेट्स द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ऑन बियरिंग इंजेक्टेड इनटू अनदर फिश। इनफैक्ट द हॉर्मोन्स प्रोड्यूसेस बाय द क्रोमेफिन टिश्यू इन फिशेज फंक्शन सिमिलर लाइक दैट ऑफ द एड्रिनल मेडुला ऑफ मैमल्स। अब है
द कार्पसल्स ऑफ स्टेनियस. द कार्पसल्स ऑफ स्टेनियस वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एच स्टेनिस इन 1839 एज डिस्क्रीट ग्लैंडुलर बॉडीज इन द किडनी ऑफ स्टर्जी. तो ये जो है सबसे पहले एच स्टेनियस नाम साइंटिस्ट ने 1839 में खोजी थी, और ये जो है किडनी के पास ग्लैंडुलर बॉडी होती है. इसकी लोकेशन जो है, द कार्पसल्स ऑफ स्टेनियस आर जनरली स्मॉल नोड्यूलर बॉडीज लाइंग पार्टली और कम्प्लीटली एम्बेडेड ऑन डोर्सल और डोर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ द किडनी ऑफ बॉनी फिशेज. जनरली दीज आर सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द किडनी. देयर एग्जैक्ट लोकेशन इज मेजर्ड फ्रॉम द यूरोजेनिटल एपर्चर. अब इसकी शेप, कॉर्पसल्स ऑफ स्टेनियस आर जनरली ओवल और राउंड इन शेप इन सम फिशेज लाइक गोल्ड फिश, टूट एंड सॉमन. दीज आर सीन एज फ्लैट वाइट स्ट्रक्चर ऑन द पोटेंशियल सर्फेस ऑफ द किडनी. अब इसकी साइज, द साइज ऑफ सी एस वेरीज फ्रॉम 0.15 टू 6.0 mm इन डिफरेंट फिश स्पीशीज. अब ए नंबर, द कार्पसल्स ऑफ स्टेनियस वेरी इन नंबर यूजुअली फ्रॉम 1 टू 10 इन डिफरेंट फिश स्पीशीज एज सॉन फिशेज. अब ए कलर, कलर इसका पिंक एंड वाइट होता है. ओरिजन, द कार्पसल्स ऑफ स्टेनियस ओरिजिनेट एज आउटग्रोथ फ्रॉम द प्रोनेफ्रिक और द मेसोनेफ्रिक डक्ट ऑफ द किडनी. अब ए नेचर, वेदर द कार्पसल्स ऑफ स्टेनियस आर स्टीरियोडोजेनिक हैज बीन ए सब्जेक्ट ऑफ मच डिबेट इन द रिसेंट पास्ट. फिलिप्स एंड मरलो कुड नॉट डेमोन्स्ट्रेट द कन्वर्जन ऑफ सी प्रोजेस्टेरोन और रेटिनोकॉर्टिको स्टेरॉइड्स इन विट्रो बाय द कार्पसल्स ऑफ स्टेनियस ऑफ द विंटर फ्लोडर सूडो प्लेरिनेक्टस अमेरिकन्स लेटर स्टडीज हॉवर हैव रिपोर्टेड. रिपेंड दिस क्वेश्चन, फॉन्टेन 1963 में उन्होंने बताया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन एंड स्टोन एज वेल एज एस्ट्राडियोल एस 17B वाइल ओगावा 1963 ऑब्टेंड 11 डी ऑक्सीकॉर्टिको स्टेरॉन. हाउएवर सिमिलर एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स ऑफ सामन कॉप्सल्स डिड नॉट यील्ड डिटेक्टेबल स्टेरॉइड्स. एंजाइम हिस्टोकेमिकल स्टडीज फेवर दी नॉन स्टीरोजेनिक नेचर ऑफ सी एस. वन ऑफ द की एंजाइम इन स्टीरोजेनिक हाइड्रो ऑक्सी स्टीरोइड डी हाइड्रोजिनेज विच कैटेलाइजेस कन्वर्जन ऑफ प्रीजेनिन इंटू प्रोजेस्टिरोन कुड नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड हिस्टोकेमिकली इन द सेल्स ऑफ द कॉर्पस बट इज अबुंडेंट इन दोज ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन द कार्डिनल वेन्स एंड हेड किडनी. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील दैट द कॉर्पसल सेल्स कंटेन वेल डेवलप्ड आरएनपी लाइन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला एंड गॉल्गी एपरेटस इंडिकेटिंग दैट द सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस. द ब्लोन अप क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीरियोजेनिक टिश्यूज आर कॉन्स्पिशली लेकिंग. वन एम्ब्रियोलॉजिकल ग्राउंड टू द सी एस आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टीरोइड प्रोड्यूसिंग टिश्यू the later including the adrenal cortex and gonads arise from the mesodermal blastema while the CS are outgrowth from the pronephric duct of the kidney. It may be well noted that certain enzymes present in the CS can metabolize steroid. ये सब चित्र हैं इसके CS के. As into the kidney, however, in CS does not appear steroidal in the sense that it can not be by itself complete the conversion of cholesterol, the normal precursor from adrenocorticosteroid in most vertebrae. To the biological active adrenocorticosteroid, cortical hormones, there is of course of possibly as has been suggested by Nandi that this gland may store steroids. Until the chemical nature of the corpus hormone is identified, this problem remains open. अब है फंक्शन ऑफ सी एस. द एंडोक्राइन रोल ऑफ सी एस इज स्टिल डाउटफुल एज डिस्कस्ड इन द प्रोसीडिंग सेक्शन. हाउएवर द फॉलोइंग फंक्शंस मे बी एट्रीब्यूटेड टू द सी एस. फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ रेनिन एक्टिविटी. एक्सट्रैक्ट ऑफ सी एस ऑफ द ईल कॉज्ड राइज इन ब्लड
प्रेशर इन इट रिजेंबल टू दैट ऑफ योर बाय रनिंग. सेकेंड ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन रिमूवल ऑफ दी सी एस इन द ईल एंगुइला एंगुइला कॉज ए रिडक्शन इन द प्लाज्मा सोडियम एंड इंक्रीज इन द के एंड सी ए कंसनट्रेशन विच मे इवन रिजल्ट दैट मॉर्फोस्टोलॉजिकल चेंजेस इन सी एस इन रेस्पॉन्स टू सैलिनिटी चेंजेस हैव बीन पॉइंटेड आउट. थर्ड है इफेक्ट ऑन किडनी फंक्शन. द किडनी अपीयर्स टू बी ए मेजर टारगेट ऑर्गन अपॉन विच दी सिक्रेशन ऑफ द कॉर्पस सबस्टेनियस एक्ट. रिमूवल ऑफ सी एस डिड नॉट अफेक्ट दी एन ए ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इन द गिल्स ऑफ आइदर फ्रेश वाटर और सी वाटर इनस. देयर आर हाउएवर मार्क चेंजेस इन रीनल फंक्शन as evident from decline in the urinary calcium and magnesium excretion. From this it may be inferred that secretion from CS are helpful in establishing electrolyte homeostasis in the feces. तो ये जो है ये endocrine gland CS ये इसके कार्य थे. अगली endocrine gland पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में. थैंक यू.